अक्षय कुमार की गोरखा फिल्म के लिए बड़ा और इंतजार। अब ये फिल्म का शूट शुरू हो सकता है मिड 2023 में। अक्षय कुमार उन एक्टर्स में से हैं जो एक साल में ही कई फिल्में करते हैं, इसलिए अक्षय के फैंस को हमेशा उनकी फिल्मों का इंतज़ार रहता है। जैसा कि हम जानते हैं कि अक्षय की अभी तक 3 फिल्में रिलीज हो चुकी है, जिसमें से एक थी बच्चन पांडे, दूसरी सम्राट पृथ्वीराज और फिर आई रक्षाबंधन। बता दें कि ये तीनों की तीनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप रही, जिस वजह से अक्षय के फैंस को उनकी आने वाली फिल्मों से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं, जिसमें से एक फिल्म है गोरखा। लेकिन अब खबर है कि फैंस को अक्षय की आने वाली गोरखा के लिए थोड़ा इंतज़ार करना होगा। जैसा कि हमने बताया था कि गोरखा फिल्म तब फ्लोर पर जाएगी जब अक्षय कुमार की ही फिल्म कैप्सूल गिल बन जाएगी, यानी कि 2023 के जैन में। लेकिन अब खबर आ रही है कि अक्षय कुमार ने दूसरी एक और फिल्म को साइन कर दिया है, जिस वजह से गोरखा फिल्म के फैंस को फिल्म के लिए और ज़्यादा इंतज़ार करना होगा। वैसे ये भी याद दिला दें कि गोरखा फिल्म से डायरेक्टर आनंद एल राय ने कहा था कि फिल्म तब बनेगी जब हमें लगेगा कि हम सब्जेक्ट के साथ 100% सही है और हमने इसे अच्छी तरह से क्रैक किया है। एक बार पूरी स्क्रिप्ट लॉक हो जाए और सभी मेकर्स इसे अप्रूव कर दे, तब यह फिल्म फ्लोर पर जाएगी। फिल्म में रोल की बात करें तो अक्षय कुमार फिर एक बार सैनिक का रोल प्ले करेंगे, जो कि मेजर जनरल लैंड कार्डोजो का होगा। फिल्म में अक्षय कुमार के साथ साथ राज विश्वकर्मा भी दिखाई देंगे। वक्त की बात करूँ तो अक्षय गोरखा और कैप्सूल गिल के अलावा सेल्फी फिल्म में इमरान हाशमी के साथ बड़े पर्दे पर पहली बार नजर आएंगे। इन दोनों स्टार्स के साथ नुसरत भरूचा और डायना पेंटी भी दिखाई देंगी। खबर है कि ये फिल्म 24 फेब 2023 को थिएटर में रिलीज की जा सकती है। फिर बात करें बड़े मियां छोटे मियां की, तो इस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ टाइगर श्रॉफ दिखाई देंगे। ये जोड़ी भी पहली बार देखी जाएगी और ये क्रिसमस 2023 के समय पर रिलीज होगी।